जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, जय फूले के अभिवादन के साथ आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले यहाँ बैठे अपने साथियों को इंट्रोड्यूस करने के पहले बता दूँ कि ये 5 मार्च को भारत बंद के संबंध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की गई और इसमें जो संगठन है वो तमाम संगठन जो अपने नाम के साथ बिना नाम के साथ शामिल हैं उन सभी की ओर से आज संविधान बचाओ संघर्ष समिति और ऑल यूनिवर्सिटीज़ फोरम फॉर सोशल जस्टिस के लोग यहाँ ये आयोजन किए हैं हिंदू कॉलेज में। मैं सबसे पहले डॉक्टर रतनलाल हैं जो पढ़ाते हैं हिंदू कॉलेज में, उनको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, आप जानते हैं। नमस्कार। इनके साथ साथ श्री अशोक जी हैं जो अंबेडकर सभा, ऑल इंडिया अंबेडकर सभा के नायक हैं और ये तमाम जो अलग अलग पार्टियों को जो संगठित करने में इनका जो प्रयास है अशोक भारती जी का वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साथ में डॉक्टर अनिल साथियों, डॉक्टर अनिल हैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से, डॉक्टर संदीप कुमार यादव हैं ये श्यामलाल कॉलेज में स्टाफ जो स्टाफ काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और तमाम बहुजन के सवाल पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, और मेरे साथ डॉक्टर कुंदन हैं जो सत्यवती कॉलेज में यहाँ पढ़ाते हैं। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा डॉक्टर अशोक जी से कि वो 2 मिनट बोलें, उसके बाद डॉक्टर रतनलाल बोलें। साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। हम लोग ये बताना चाहते हैं, 3 बातें मोटी मोटी कहना चाहते हैं। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि 5 मार्च का जो भारत बंद है वो टोटल भारत बंद है, शांतिपूर्ण तरीके से है, पूरे देश में है। उस भारत बंद के 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये कि सरकार ने जो लाखों लाख आदिवासियों को बेदखल करने का जजमेंट दिलवाया है, ये जजमेंट हमें स्वीकार नहीं है। हम देश के 10 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों को किसी भी प्रक्रिया से उजाड़े जाने के खिलाफ हैं। इसलिए हमारा मानना ये है कि सरकार, जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है और हमारे पास आज ये जानकारी पहुंची है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने फैसले पर स्टे ऑर्डर दिया है, लेकिन स्टे ऑर्डर हमारी समस्याओं का हल नहीं है। हम चाहते हैं सर्वोच्च अन्याय जो हमारे समाज के आदिवासी के साथ हुआ है उसके लिए सरकार अध्यादेश लाए और इस कानून को मजबूत करने के लिए और प्रयास करे और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है इसको निरस्त करे, ये हमारा पहली बात हम कहना चाहते हैं। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि 2 दिन पहले जो 13-point रोस्टर को दोबारा पुनर्विचार याचिका को जो सर्वोच्च न्यायालय ने रिजेक्ट किया है वो फैसला हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि उस फैसले में जिन लोगों की सरकार में, प्रशासन में, रेलवे में, टेलीकॉम में, मंत्रियों में, सब जगह जिनकी मौजूदगी 70-80% है, उन लोगों को तो पहले जगह दी गई आरक्षण में, और जिनकी मौजूदगी नहीं है, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ी जातियों की, उनको 13-point रोस्टर से हाशिए पे डाल दिया गया है। हम दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति का हाशिए पे डालना रिजेक्ट करते हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मनुपालिका इस देश में चल रही है, इस मनुपालिका को न्यायपालिका में तब्दील करने के लिए सारे न्यायालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों समेत महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। संविधान की धारा 312 के तहत इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन किया जाना चाहिए, और अगर ये तीनों मांगे ये हमारी बातें सरकार नहीं मानती है और 5 तारीख तक अगर सरकार इस पर अध्यादेश नहीं लाती है तो पूरे देश में, शहरों में, गांव में, देहात में भारत बंद रहेगा,
जय भीम जय भारत साथ। पहली बात तो ये है कि जो 5 मार्च का जो भारत बंद है उसके समर्थन में ऑल यूनिवर्सिटीज फोरम फॉर सोशल जस्टिस और संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से हम हैं। यह जो कॉल है 5 मार्च का, यह मास आंदोलन है और आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम संगठन से और तमाम ऐसे लोगों से जो न्याय की अवधारणा में विश्वास करते हैं उनसे अपील है कि अपने अपने बैनर पे ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अपना झंडा उनका होगा, उनका अपना डंडा होगा, अपने बैनर होंगे, सब लोग इस आंदोलन के लीडर हैं। इसका कोई कॉपीराइट किसी व्यक्ति किसी संगठन के पास नहीं है, सबका आंदोलन है, ये मास आंदोलन है, ये पहली बात। दूसरी बात, हम लोग एक संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग भी शामिल हैं इसमें कि पिछले 4 साल में, 5 साल होने जा रहे हैं अब, इस सरकार ने जो संविधान सम्मत जितनी संस्थाएं थी, आप सब जानते हैं, चाहे CBI हो, CBC हो, इलेक्शन कमीशन हो, तमाम संस्थाओं को इन्होंने ध्वस्त किया है। और अब सेना, यही नहीं, अब सेना भी इस्तेमाल हुआ। अब यही नहीं, जितने संविधान प्रदत्त जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत जो भी अधिकार SC ST OBC को दिए गए थे वो इन्होंने ध्वस्त कर दिया है सीधा। और ये सरकार जो है ये लीला कर रही है, चाहे SC ST OBC का मसला हो, चाहे ट्राइबल अभी जो एविक्शन ऑर्डर आया है, हमें भैया कोई लीला नहीं चाहिए। 48 घंटे में आपने जो है गैर संवैधानिक जो जनऊ आरक्षण था, जो सवर्ण आरक्षण था, जो पहली बार जाति के आधार पर आरक्षण इस देश में आया, आपने कानून बनवा दी। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन में एड आया हुआ है कि 10% आरक्षण का एड दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये सरकार SC ST OBC का मजाक उड़ा रही है, खुलेआम सरेआम मजाक उड़ा रही है कि देखो जो गैर संवैधानिक आरक्षण था उसका एड बना के उस पर वोट मांग रही है, और जो संवैधानिक आरक्षण है वो उसका जो है उसको जो है डस्टबिन में डाल रही है। तो ये सरकार से ये डिमांड है, 5 तारीख को हर स्थिति में भारत बंद रहना चाहिए। सरकार से डिमांड है कि हमको जो है हमको हटाओ रोस्टर लीला, ये जनऊ लीला है। सीधा आप जो संविधान की जो अवधारणा है और जो सवरवाल कमेटी का रिकमेंडेशन था कि जब तक SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक वैकेंसी बेस्ड अपॉइंटमेंट चलते रहना चाहिए। तो भाई 97 से लेके अब तक 97 में ऑर्डर आया था, ये सरकार हमको पहले आंकड़ा दे कि क्या भारत के तमाम सार्वजनिक संस्थाओं में वो SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन पूरा हुआ है क्या। अगर नहीं हुआ है तो उसके जगह कौन लोग काम कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, बांग्लादेश के लोग काम कर रहे हैं कि इसी देश का सवर्ण यहाँ के SC ST OBC के हक हकूक को मार के खा रहा है। तो जो संवैधानिक आरक्षण था उसकी इन्होंने हत्या कर दी, और गैर संवैधानिक आरक्षण पे दांत निकाल के खिलखिला रहे हैं और हम लोग का मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए देश के तमाम ऐसे व्यक्तियों संगठनों से अपील है कि ये अपने अपने झंडे डंडे के साथ भारत बंद में शामिल हो, नंबर एक। नंबर दो, अभी जो चुनाव का माहौल है, राहत इंदौरी साहब की एक जो बात है वो मुझे बार बार एक शायरी एक लाइन याद आती है कि सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। हमें कहा जाता है राष्ट्र की ओर देखो, भारतीय सेना जिंदाबाद, लेकिन मनुवादी रोस्टर मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद ही रहेगा। कि अगर हमको उधर दिखाया जा रहा है और आप यहाँ पे बूथ मजबूत करने में लगे हुए चुनावी रैली कर रहे हैं आप, तो शहीदों की लाश पे राजनीति ये भाजपा सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत एविक्शन करा देती है और नोटिस निकाल देती है कि ट्राइबल्स का एविक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट कल SLP 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम पे SLP उन्होंने खारिज किया है। 48 घंटे में आपने जनऊ रिजर्वेशन पास कर दिया, रोस्टर भी बना दिया जिसमें कि ST का तो कहीं संख्या ही नंबर ही नहीं है। 10वां पोस्ट आपने जो है गरीब सवर्ण को आपने तथाकथित गरीब को 8 लाख रुपए वाले गरीब को आपने रिजर्व कर दी, और उनके लिए आपने ये भी प्रावधान कर दिया है कि वो 10% में रहेंगे ही रहेंगे लेकिन बाकी जो ओपन है उसमें भी मूव करेंगे। और SC ST को आपने प्रावधान किया है SC ST OBC उसी कैटेगरी में अप्लाई करेगा। तो आपकी लीला, हम लोग सब एक्टिविस्ट लोग हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इस लीला को हम लोग समझ रहे हैं। इस लीला का हम लोग, ये जनऊ और पूंजी की लीला है, सारे सरकारी संस्थाएं ये सरकार बेच रही है। अभी उधर शहीद के बारे में बात हो रही थी तब तक पता लगा कि मोदी जी 6 हवाई अड्डा जो है बेच चुके हैं इस देश में। तो आपकी पूंजी और जनऊ लीला हम लोग समझ रहे हैं, इसका पर्दाफाश करेंगे। आप में दम है, आप में हिम्मत है, तो जितने हजारों संगठन इस देश में इन्होंने आह्वान किया है मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको गिरफ्तार कीजिए, जेल भेजिए। साथियों, इस क्रम में हमने कई राजनीतिक संगठन से भी बात की है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि
आरजेडी के नेता तेजस्वी श्री तेजस्वी यादव का, मनोज झा का, कि तेजस्वी यादव जी ने खुल के समर्थन किया है, आह्वान किया है उनके सोशल मीडिया पर संगठन में आह्वान किया है कि 5 मार्च को भारत बंद रहेगा। बिहार भीम सेना, बिहार भीम आर्मी ने 5 मार्च के भारत का समर्थन किया है। बिहार की संख्यानुपातिक पार्टी ने जो है भारत बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा जिग्नेश मेवानी गुजरात के जो MLA हैं उन्होंने समर्थन किया है। अभी शायद वाम दलों से भी यादव शरद जी तमाम लोग से बात चल रही है, लेफ्ट पार्टी से हो सकता है आज या कल जो है वो भारत बंद का वो भी समर्थन कर दें। समाजवादी पार्टी के श्री धर्मेंद्र यादव से अभी हमारी मुलाकात हुई है, संभवतः परसों अखिलेश जी से हमारी मुलाकात होना तय है। समाजवादी पार्टी भी संभवतः इसका समर्थन करेगी। आम आदमी पार्टी से भी हम लोग बात कर रहे हैं, बसपा से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो सरकार है इसने सामाजिक हत्या की, इसने बरसी कर दी है, इसने पूरा रोस्टर सिस्टम कुछ नहीं है, सामाजिक न्याय की हत्या है। SC ST OBC के लिए यूनिवर्सिटी में नो एंट्री, इसलिए हम लोगों ने भारत बंद का कॉल दिया है और 5 मार्च को भारत बंद करेंगे। और तमाम ऐसे इंसाफ पसंद लोगों से, ये क्या सब लोग जो रिजर्वेशन के खिलाफ भी जो लोग बोलते थे आज वो हंस रहे हैं कि इसने तो क्या कर दिया, इसने रिजर्वेशन के तो पंटाधारी कोई मीनिंगलेस बना दिया इस सरकार ने। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि हम अध्यादेश लाएंगे, कहाँ या 3 तलाक पे आप अध्यादेश ला सकते हैं, लेकिन SC ST OBC के रिजर्वेशन पे आपके अध्यादेश पता नहीं कैबिनेट के फाइल में ही घूम रहे हैं, तो ये लीला समझ रहे हैं हम लोग। आप जो है हम भारतीय सेना के साथ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर आंख दिखाएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन देश की जो आंतरिक समस्या है, जो दलितों का, पिछड़ों का, मजलूमों का, सबसे ज्यादा मार आदिवासी पे पड़ी है, उनको ये रोस्टर से आपने एंट्री बैन कर दी, उधर जंगल से आप निकालने की और पहाड़ों से निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस देश में नहीं चलेगा। बाबा साहब के हम लोग वारिस हैं, बाबा साहब ने जो है एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया था, वो दिया था वोट देने का अधिकार। आप जो है बनारस इलाहाबाद में जाके पांव मत धोइए, ये लीला मत कीजिए। जिस तरह आपने पांव धोया है, हम लोगों ने सब रिसर्च किया है कि जिस तरह से आप थाली लगाए हैं, पांव धोने वाला जो है सोफा पे बैठा हुआ है और जिसका पांव धोया जा रहा है वो प्लास्टिक के चेयर पे बैठा हुआ है, ये लीला आपका हम लोग समझ रहे हैं, सब आपका पर्दाफाश हो रहा है। पांव मत धोइए, सीवर में जो लोग हमारे मर रहे हैं उसके सरकारी नौकरी पक्का कीजिए, उनको पेंशन दीजिए, उनकी सारी हाइजीनिक व्यवस्था कीजिए, पूरा टेक्नोलॉजी लाइए, ये सब काम कीजिए। ये हम लोग सिम्बोलिज्म प्रतीक को हम लोग समझते हैं और आप लोग के माध्यम से पूरे देश की आवाम, इंसाफ पसंद लोग, SC ST OBC माइनॉरिटीज, महिलाएं जितने हैं, उनसे ये हम अपील करना चाहते हैं कि ये सरकार किसी की नहीं है, कुछ घरानों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये नौजवान विरोधी सरकार है, ये रोजगार विरोधी सरकार है। कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गए 15 लाख रुपए? हम इनके मैनिफेस्टो पे बात करना चाहते हैं, 2014 का जो मैनिफेस्टो है, इन्होंने सबको गुमराह किया है, सबका साथ लिया है और सबका विनाश कर रहे हैं। इसलिए आपके सब, आपके चैनल के माध्यम से, आप सब साथियों के माध्यम से, पूरे देश की आवाम से हम अपील करना चाहते हैं कि इस भारत बंद को सफल बनाइए। और तमाम राजनीतिक दलों से हमारी बातचीत चल रही है, सब अप्रोच कर रहे हैं। वामन मिश्राम साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने खुल के इसका समर्थन किया है और उनकी पार्टी जो है उन्होंने भी हमारा वामसेव ने समर्थन किया है। तमाम ऐसे संगठन से बातचीत चल रही है, पार्टियों से बातचीत चल रही है कि सरकार को जो है ना इसने लीला किया है, इसने मिराज मृग मरीच का दिखाया है कि अब मिलेगा, अब मिलेगा। तो हमारे लिए आश्वासन और जनऊ के लिए खीरपुरी, ये लीला हम समझते हैं, इसका पर्दाफाश करेंगे। जय भीम साथियों, शुक्रिया। डॉक्टर अनिल, जय हिंद बोलेंगे। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।